हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर जो एडोबे इलस्ट्रेटर में हमको अगर जो पेन टूल का यूज करना है, हम पेन टूल का कैसे यूज करते हैं। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था सिलेक्शन टूल के बारे में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के। आ रहा समझ में ना? जैसे कि छोटा सा हिंट्स दे देते हैं, तो अगर जो आपने एक रेक्टेंगल लेके ड्रा कर लिया और एक साथ आपको चारों कॉर्नर सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपने इस्तेमाल किया था सिलेक्शन टूल। किसका इस्तेमाल किए थे? सिलेक्शन। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कब किए थे? कि जब हमको सिर्फ यही कॉर्नर चाहिए था, हम इसी कॉर्नर को सेलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किए थे? डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आ रहा समझ में ना? और उसके बाद जब आप आगे जाएंगे, अगला हमको दिखाई देगा पेन टूल। क्या दिखाई देगा? पेन टूल। अब पेन टूल यूज करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर जो हम यूज करें एडोब इलस्ट्रेटर ना, तो इसमें कुछ फीचर हमको कम दिखाई दे, क्योंकि और आगे हो सकता आवश्यकता पड़ सकती है। आ रहा समझ में ना? तो उसके लिए जब हम विंडो में जाएंगे ना, तो एक ऑप्शन आपको इसमें दिखाई देगा कंट्रोल का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? कंट्रोल। अब ये कंट्रोल बटन आपका क्या करेगा, यहाँ से जैसे ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। दिख रहा है ना कि आप और जो कोई रेक्टेंगल ले रहे हैं, इसमें कलर आपको फिल करना है तो आप यहीं से कलर फिल कर सकते हैं। आउटलाइन का जो कलर करना है तो आप यहीं से क्या कर सकते हैं? आउटलाइन कलर कर सकते हैं। आउटलाइन का विथ मोटा करना था, आप यहाँ क्या कर सकते हैं? आउटलाइन का विथ मोटा कर सकते। दिख रहा है ना? यानी कि सारा चीज कंट्रोल आप अब आप यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, आउटलाइन की स्टाइल चेंज करना है तो भी आप यहाँ से आके अपने आउटलाइन की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। दिख रहा है? कहीं मोटा तो कहीं क्या हुआ है, हो जाएगा ना। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, हमको एक तरीके से नहीं, दो तरीके से अगर जो कंट्रोल करना है तो हम यहाँ आसानी से कंट्रोल कर सकते। और इसके बाद जब आप जाएंगे विंडो में, आपको एक टूल्स बार का ऑप्शन दिखाई देगा। टूल्स बार में देखिए, न्यू टूल्स बार दे रहा है, मैनेज टूल्स बार दे रहा है, कि आपको नया टूल्स बार ऐड करना हो सकता है या जो बना हुआ है उसी को मैनेज करना हो सकता है, कहीं ऊपर का नीचे करना है, नीचे का ऊपर का। जैसे देखिए, अभी मैनेज टूल्स बार में जाएंगे ना, इसमें क्या होगा, अभी टूल्स तो कोई बनाया नहीं है, तो हम यहाँ से टूल्स बार बनाए रहेंगे, उसका नाम दे रहा है, ओके कर लिए, आ गया ना। अब इसमें आपको जो जो आइकन ऐड करना होगा, हम यहाँ से क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। कौन सा चाहिए? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चाहिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। फिर और कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए। ऐसे हम अलग अलग क्या करते जाएंगे, इसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे। देखो, ऐड हो रहा है ना, हो जाएगा ना। और इसी को जो मैनेज करना है कि नहीं, हम मैनेज करना चाहते हैं, विंडो में जाएंगे, टूल्स बार में, और यहाँ से क्या कर लेंगे, मैनेज में चले जाएंगे। यही है ना, सेलेक्ट करके अगर जिसका नाम चेंज करना हो तो नाम, इसमें ऐड करना हो तो ऐड कर लेंगे, एक और इसका कॉपी, डिलीट करना तो क्या कर लेंगे, डिलीट, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट। हट गया है ना। हाँ, इसका काम कब करेंगे समझ लीजिए, कि आपको सबसे ज्यादातर कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ रही है, सबकी आवश्यकता नहीं पड़ रही, तो उसके लिए आप क्या करिए, विंडो में जाइए, टूल्स बार में जाइए और न्यू टूल्स बार में चले जाइए, उसका नाम दे दीजिए कि आपको क्या जरूरत पड़ रहा है। जैसे आप डाल दीजिए यहाँ पे मेन टूल्स, और यहाँ से क्या कर लिए, इस पे क्लिक कर लीजिए। कौन कौन सा टूल्स आपको जरूरत पड़ रहा है? हमारा सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसी के अंदर रख लीजिए, फिर इसको ऐसे पेंट टूल, बस ये तीन जरूरत पड़ रहा है, यहाँ से कर लीजिए इसको क्लोज। अब यदि आप देखेंगे तो आपको कितना टूल्स दिखाई दे रहा है, ये दो इसमें है और एक ये। अब आप इसको बंद करना चाहते हैं तो विंडो में जाइए, टूल्स बार में जाइए, और ये बेसिक वाले को क्या कर दीजिए बंद, आपने जितना बनाया तब उतना ही दिख रहा है ना, हो जाएगा ना। तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, नहीं आपको ये नहीं रखना है, फिर आ जाइए किसमें, मैनेज में, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, आपका कोई टूल्स बार नहीं दिख रहा है। फिर आप आ जाइए टूल्स बार, बेसिक को क्या कर लीजिए, हम चाहते हैं नहीं, बेसिक के साथ साथ हमारे पास एडवांस टूल्स भी आने चाहिए, उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, विंडो, विंडो में जाने के बाद से टूल्स बार और एडवांस को भी यहाँ से क्या कर लेंगे। तो अब यदि आप देखेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा और टूल्स दिखाई देने लगे, दिख रहा है सबको ना। तो अब देखिए, सबसे पहले हमारा इसमें दे रहा है कि अभी ये डायरेक्टली पेन टूल आ जा रहा था ना, अब इसके भी से आपको दिखाई देगा मैजिक वांड टूल, और मैजिक वांड टूल के पास दिखाई देगा आपको यहाँ पे ये किसका, लूसो टूल का, कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा, लूसो। तो लूसो टूल और मैजिक वांड टूल आप लोग फोटोशॉप में पड़े हुए,
आ रहा समझ में ना, इन दोनों का काम क्या था, सिलेक्शन करना था। क्या करना, सिलेक्शन। जैसे एक समझाने के हम लूसो टूल ले लिए, लूसो टूल से देखिए आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते, दिख रहा है ना। कहीं एक अगर जो आपने कई जगह डिजाइन बना लिया हो, फिलहाल इसको आप कर लीजिए डिलीट। एक यहां से ले लिए क्या, सर्कल यहाँ पे हो गया, 2 3 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारे हम ड्रा कर दिए हैं ना। हमको कहीं कहीं ऐसे घुमा फिरा के कुछ एक ही साथ सेलेक्ट करना होगा, क्या लेंगे उसके लिए, लूसो टूल। अब देखिए कैसे सेलेक्ट करेगा, ऐसे इसको सेलेक्ट करना है, इसको नहीं करना है, इसको करना है, फिर क्या करना है, इसको नहीं करना है, इसको कर लेना है, इसको नहीं करना, बस इतना ही करना है। सिर्फ यही सेलेक्ट किया ना, बीच का ये सारा छोड़ दिया है ना। कलर चेक कर, चेंज करके देख लीजिए, पता चल जाएगा अपने आप हो रहा है, हो जाएगा ना जी। और लूसो टूल के नीचे एक हमको टूल्स दिखाई देगा जो हमारा होगा क्या, पेन, ये एड एंकर टूल। इसी में हमको दिखेगा किसका ऑप्शन, सबसे पहला पेन टूल, किसका पेन। और पेन टूल का काम क्या है कि यदि आप कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हैं ना, तो पेन टूल के माध्यम से आप आसानी से कोई डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सिंपली हम आपको एक लीफ यानी कि पत्ती आप लोग देखे हैं ना, वो क्रिएट करना बता रहे हैं। आप यहाँ से ले लीजिए कौन सा पेन टूल, क्लिक करिए और शिफ्ट के साथ जो है आप नीचे लेकर के आ जाइए। शिफ्ट के साथ लेके आए तो क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, सीधा आएगा। यहाँ आपको क्लिक करके छोड़ना नहीं है, बल्कि क्लिक किए हुए ऐसे घुमा लीजिए, क्लिक किए हैं छोड़े नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको छोड़ेंगे। अब देखिए अभी पूरा ऐसे फिलअप हुआ, अभी ये छोड़ा नहीं है ना, कभी छोड़ेगा कि जब तक आप इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, तब तक ये आपको ये पीछा छोड़ने वाला नहीं। आप कितना भी डबल क्लिक करिए आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, कब तक, तो जब तक हम ये जहां से स्टार्ट हुआ यानी कि एंकर पॉइंट में लाके ऐड नहीं करा देंगे तब। और यदि हम यहाँ ला के क्लिक कर देंगे, देखिए एक अलग डिजाइन बन जाए। तो करेंगे क्या, यहाँ क्लिक करके और इसको फिर हम ऐसे क्या कर लेंगे, घुमा लें, दिख रहा है ना, कुछ ऐसे आपको डिजाइन नजर आए, दिख रहा है। चाहते नहीं ऐसे कुछ न बने, कंट्रोल जेड से अंडू कर ले, दिख रहा है ना। हम इसको फिर ऐसे क्या कर लेंगे, यहीं पे क्लिक और क्लिक करना, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर ऐसे क्या कर लेंगे, घुमा लें, बन गया है ना। तो यदि कलर फिल हुआ आया है, हम कलर फिल रखना नहीं चाहते हैं, इसको क्या करेंगे, क्लिक और यहाँ से क्या कर लेंगे, फिल कलर हटा देंगे, बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो हमने किसके माध्यम से बनाया है, चलिए कोई नहीं, इसको व्हाइट कलर रख लीजिए सबसे बेटर है। और इसका कलर हम यहाँ से रख लिए क्या, व्हाइट। इसको सेलेक्ट करके फिलहाल कर लिए साइड में, हमारे लीफ यानी कि एक पत्ती बन चुकी, हो जाएगा ना। इसके बाद से हम चाहते हैं ना क्या कर पाना, जैसे आप लोग एक हॉट देखे होंगे, हॉट कुछ इस प्रकार से होता है ना, वैसे हमको हॉट बनाना होगा इसमें, तो भी हम इसकी सहायता से बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कंट्रोल आर से रूलर लाना हो, जो आप लोग फोटोशॉप में पढ़े हैं। कंट्रोल आर से क्या लाना होगा, रूलर। जब आप पासपोर्ट साइज फोटो पढ़े होंगे ना, तो उसमें बताया गया होगा रूलर लाने के लिए कंट्रोल साथ क्या दबाएंगे। कोई नहीं समझ में आ रहा, वहां पे नहीं पढ़े थे, आप समझ लीजिए कि रूलर लाने के हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ, तो रूलर आ जाएगा, ये बताएगा आप यहाँ से यहाँ तक कोई काम कर सकते। आप लोग कोरल ड्रा में पढ़े हैं ना कि हम यहाँ पे क्लिक करके ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसे लाइन आ जाएगा, जिसको गाइडलाइन बोला जाता है, दिख रहा है ना। यहाँ पे क्लिक करके रूलर बार पे, दिख रहा है रूलर बार ना, रूलर बार पे क्लिक करके और ड्रा करेंगे, आपको कुछ ऐसे इधर से लाइन आ जाएगी, दिख रहा है ना। अब करना क्या, इसी पे हमको वो डिजाइन करना है, यानी कि इसी पे हमको क्या करना है, एक हार्ड का इमेज बनाना है। उसके लिए भी फिर हम क्या लेंगे, पेन टूल क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करके नीचे की तरफ ऐसे घुमा लेंगे, दिख रहा है ना। और छोड़ के यहां से फिर ऐसे हम लाके इधर घुमा लें, जैसे जितना पे रखना हो गया। अब देखिए अभी ये पीछा नहीं छोड़ा हमारा ना, क्या अभी ये कर्सर पीछा छोड़ा है, हम चाहते ना इसको हमको नोट को मिलाना नहीं है, बल्कि यहीं से ये छूट जाए। उसके लिए कीबोर्ड से हम स्केप बटन दबाएं, कौन सा, स्केप जो पहला वाला होता है। अब देखिए जैसे हम स्केप बटन दबाएंगे ना, छोड़ दिया यहीं पर, पकड़ा है क्या, फिर से छोड़ दिया है ना। यानी क्लिक करके हम यहाँ क्लिक करेंगे
और यहाँ पे हम चाहते हैं क्लिक करने वाला यहीं तक रह जाए, हम बस देखिए एस्केप बटन दबाएंगे अपने आप यहाँ से क्या कर देगा, छोड़ हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको अभी करते हैं डिलीट और अपने हॉट वाले पेज पर आ जाते, यही है ना, क्योंकि आउटलाइन है इसलिए बार क्लिक करें पे ये हट जा रहा है। सेलेक्ट करेंगे आउटलाइन के यहाँ से कर लेंगे कौन सा कलर, ब्लैक, तो विथ को थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ से मोटी, हो जाएगा ना। सेम इसका डुप्लीकेट हमको इस साइड बनाना है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, कर लेंगे सेलेक्ट, कलर भी कर लीजिए नहीं हो तो वाइट, कौन सा कलर कर लिए, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांसफार्म, क्या दिखाई देगा, ट्रांसफार्म, ट्रांसफार्म में जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा रिफ्लेक्ट, क्या दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब पता है आपको ना, तो उसका रिफ्लेक्शन चला जाता है। क्लिक करेंगे तो देखिए करने के बाद रिफ्लेक्ट जैसे किया है ना, आपका प्रीव्यू ऑन है, प्रीव्यू ऑन करेंगे ना तो जो भी काम करेंगे तुरंत हमको दिखाई देगी, तो अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो नीचे का सीधा ऊपर कर देगा, दिख रहा है ना, और यदि वर्टिकल करेंगे तो उसी का उल्टा कर देगा। हमको ऐसे ओके नहीं करना है, ओके करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, उसी को बस रोटेट करा के छोड़ देगा, और यदि हम कॉपी पे क्लिक कर देंगे तो उसका डुप्लीकेट बन के आ जाए, हो गया है ना। अब इसकी गाइडलाइन हम करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसको जूम कर ले रहे हैं, यहाँ से क्या कर लिए जूम टूल, और जूम टूल लेने वाले से क्या कर लिए, इसको जूम कर ले, आपको जूमिंग दिख रहा है ना, लेकिन जूमिंग में क्या जमा जहां पे हमारा हार्ट का एक कॉर्नर मिला हुआ है, ये सही रूप से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, हम चाहते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाए, जैसे कि अगर जो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लिए हम, जूम आउट करना, देखिए समझाने के लिए हम दो लाइन ले ले रहे हैं, एक ये लाइन हो गया और दूसरा ये लाइन हो गया है ना। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इन दोनों नोट को क्या कर लेंगे सेलेक्ट, जब राइट क्लिक करेंगे ना तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन का, क्लिक कर दीजिए, देखिए अपने आप ये दोनों क्या हो गया है, ज्वाइन दिख रहा है ना, लेकिन आप अगर इसको देखेंगे ना तो ये अच्छी तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा, दिख रहा है क्या, लेकिन अब देखिए हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं कैसे, हम इसको कर लिए फिलहाल के लिए अभी डिलीट, या कंट्रोल जेड से अंडू कर लिए, ऐसे था ना, हम इसको ड्रा करके लेके आ गए इसके पास यहाँ, हो गया। अब देखिए दोनों क्या अभी भी कुछ अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है ना, हम यहाँ से क्या किए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके दोनों को क्या कर लिए सेलेक्ट, तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे एवरेज आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, एवरेज, एवरेज पे क्या कर देंगे क्लिक, और आपको पूछेगा हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल कि आपको ये करना है कि ये करना है, हम बोले नहीं हमको दोनों में करना है, तो बोथ सेलेक्ट करें क्या कर लेंगे, देखिए दोनों एक पास आ गया है ना, लेकिन अभी भी और आप देखें तो आपका कॉर्नर मिला हुआ नहीं दिख रहा, ऊपर ऐसे पता चला अलग अलग से है ना, लेकिन अब यदि आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके अब यदि कर लेंगे ज्वाइन, अब आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई देने लगे, अंतर दिखा है ना, कुछ नजर आया है, कंट्रोल जेड कर दी, पहले ऐसे कुछ था, पहले ऐसे था ना, हम क्या लिए यहाँ से हाँ डायरेक्ट सिलेक्शन, और इन दोनों नोड को ऐसे क्या कर ली, पहले क्या करेंगे एवरेज, और फिर यहाँ से बोथ सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, तो और बाद में फिर हम राइट क्लिक करके यहाँ से क्या कर लेंगे ज्वाइन, हो जाएगा ना। अब यही हमको अप्लाई करना है किस पर, जो अभी हम हॉट बना रहे थे, हाँ क्या बना रहे थे, हॉट बना रहे थे, हो गया। अब चलिए हम यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कैसे दिखेगा, तो पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन दोनों नोट को क्या कर लेंगे, कंट्रोल जेड कर लिए, थोड़ा सा तो दोनों कैसे क्या कर लिए सेलेक्ट करने से पहले राइट क्लिक करें क्या करेंगे एवरेज, फिर क्या करेंगे, और बाद में फिर क्या कर लेंगे ज्वाइन। अब इसका कॉर्नर यदि आप देखें तो बिल्कुल आपको अच्छे से दिखाई देगा, दिख रहा है ना जी। चलिए हम यही नीचे आ गए, नीचे वाला क्या आपको अभी फिट दिख रहा है क्या सही तरीके से, नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा और जूम करते हैं और क्लियर रूप से दिखाई देगा, अब दिख रहा है।
अब हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इन दोनों को ऐसे क्या करेंगे, नोड को सेलेक्ट सेलेक्ट करने वैसे इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके पहले क्या करेंगे, एवरेज, फिर यहां से क्या करेंगे। अब ये वो एवरेज हम क्यों कर रहे हैं, एवरेज करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि हो सकता है कि आपका ये एक जो नोड है ना ये कहीं ऐसे बाहर हो, एक नोड ऐसे क्या हो कहीं बाहर हो, तो अगर जो सेलेक्ट करके और यदि आप एवरेज करते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, एक पास आ जाए, दिख रहा है ना। और यदि आप राइट क्लिक करके ज्वाइन कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से ज्वाइन हो जाएगा ना। अब हम फिर यहाँ से जूम टूल लेकर के इसको करते हैं जूम आउट, हो हो जाएगा। अब जाएगा आपको क्या एक अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, बना ले जाएंगे लोग जिन जी, कैसे बना समझ आ रहा है ना। हाँ अब इसमें कलर करना है तो आप सेलेक्ट करिए इन दोनों को, सेलेक्ट करें कहाँ से ले जाइए, कलर में जो कलर लेना आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा। आउटलाइन का कलर करना था, यहाँ से देखिए आउटलाइन कलर कर रहे हैं, फिलहाल फिलहाल समझने के लिए आउटलाइन कलर हम ग्रीन कर ले रहे हैं, और इसके साइज को हम थोड़ा सा क्या कर ले रहे हैं, मोटा कर ले रहे हैं, दिख रहा है ना। एक चीज और हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो आउटलाइन का कलर लिया यहाँ यहाँ पर भी इफेक्ट दिख रहा होगा, क्या है, ग्रीन है, और ये कौन सा कलर है, रेड, दिख रहा है ना। तो अब हम ये चाहते हैं कि नहीं जो हमारा आउटलाइन का कलर है वो फिल कलर हो जाए, और जो फिल कलर वो आउटलाइन का कलर हो, समझ पा रहे हम क्या कह रहे हैं, कि हमको करना था ये कि जो हमको हमने फिल कलर रखा है ना ये हमारा आउटलाइन कलर रखना था, और जो आउटलाइन कलर रखना था वो क्या रखना था, फिल कलर रखना था, लेकिन बाय मिस्टेक हमने दोनों चेंज कर दिए। हम चाहते नहीं जो हमारा फिल कलर वो आउटलाइन कलर हो जाए, और जो आउटलाइन कलर वो क्या हो जाए, फिल कलर। तो जब आप आगे जाएंगे ना यहाँ पर, यहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्वैप का, कह रहा है स्वैप फिल एंड स्ट्रॉक, इसी पे आपको क्या कर देना होगा क्लिक, क्या इस पे, चलो एक मिनट रुक जाओ, शिफ्ट के साथ एक्स बटन दिया कि जो डायरेक्टली हमको यहाँ पे करना हो, देखिए शिफ्ट के साथ क्या कर लेंगे, एक्स कर देंगे, यहाँ चेंज हो रहा है, सिर्फ इसके लिए दिया है यहाँ चेंज हो रहा है, पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं चेंज होता है कि नहीं, शिफ्ट के साथ यस हो जाएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें हो जाएगा जी, सिंपली है, पहले भी हमने आपको क्या बताया। अच्छा अब एक चीज और बताइए, अब इसी हर्ड के इमेज से आपको क्या करना हो, एक बटरफ्लाई बनाना हो, एक तितली बनाना, आ रहा समझ में ना। तो देखिए क्या करेंगे, पहले दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके पहले क्या कर लेंगे ग्रुप, और इसके साइज को नीचे साइज क्या कर लेंगे छोटा सा, हो जाएगा। अब क्या करेंगे राइट क्लिक और चले जाएंगे कहाँ पे, ट्रांसफॉर्म, आपको ऑप्शन दिखाई दे किसका, रोटेट का, रिफ्लेक्ट में नहीं जाने, इस बार डुप्लीकेट नहीं बनाना, डुप्लीकेट बाद में बना लेंगे, फिलहाल अभी कहाँ जाएंगे रोटेट, अगर जो आप यहाँ से रोटेट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सेलेक्ट करिए और यहाँ कॉर्नर से भी आप क्या कर लीजिए, सिर्फ ड्रैग कर लीजिए, हो जाएगा ना, नहीं तो आप रोटेट में जाकर वहां से कर लीजिए दोनों ऑप्शन। अब क्या करना है आपको, राइट क्लिक, ट्रांसफार्म, फिर कहाँ जाना है, रिफ्लेक्ट, और यहाँ से वर्टिकल से लेकर क्या कर लेना है, कौन इसको यहाँ क्या कर लेना है, लगा बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। इतना बनाने के बाद देखिए क्या करना होगा, आपको ऑयल शेप लेना होगा, और लेने के बाद से आपको ऐसे क्या कर लेना होगा, ड्रा कर लेना, हो जाएगा ड्रा, जितना बड़ा या छोटा करना हो आप इसको क्या कर लेंगे, बड़ा या छोटा बन जाएगा ना। हाँ और जब आपको आउटलाइन ज्यादा मोटा लग रहा है फिर आप आउटलाइन को कम कर लीजिए, सही है। चलो कंट्रोल जेड कर देंगे पुनः वापस हो जाएगा, नहीं तो हम यहाँ से जाके 10 पिक्सल रखे थे 10 पिक्सल रख लेंगे, पहले सेलेक्ट और यहाँ से कर लेंगे कितना पिक्सल, 10
हो जाएगा। अब एक और काम करना होगा हमको, पेन टूल लेना है, यहाँ पे करना है क्लिक, और पहले एक बार इसको हटा लीजिए, यहाँ पे करना है क्लिक, और क्लिक करके यहाँ लाके आपको ऐसे घुमा लेना, हो जाएगा ना। क्लिक क्लिक किए रहना है, छोड़, क्लिक करके छोड़ नहीं देना है, क्लिक करके छोड़ दें तो वो नहीं रोटेट होगा। क्लिक माउस का लेफ्ट वाला क्लिक किए रहेंगे, और जब ड्रा करेंगे तब जाके क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बटन दबा देंगे, इसे छूट जाएगा, और इसके फिल कलर को भी अभी हम फिलहाल क्या कर देंगे, नो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको हम कर लेंगे, और आ हो जाएगा ना। और इसी को सिर्फ हम सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक कर क्या कर लेंगे, ट्रांसफार्म, और यहाँ से रिफ्लेक्ट, और यहाँ से क्या कर लेंगे ठीक और इसको ला करके हम रोटेट करना पड़ेगा ना जी, यहाँ लगा है। और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अंतर दिख रहा होगा, इसको एक बार सेलेक्ट करिए, नहीं हो तो पहले कंट्रोल सी से क्या कर लीजिए, कॉपी और कंट्रोल बी से आ गया नीचे ना। अब आप इसी को ऐसे फ्लिप कर लीजिए, यहां से हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन फ्लिप हॉरिजॉन्टल, साइड में छोटा सा दिख रहा होगा। अब इसको ड्रा करके इसके पास रख लीजिए यहाँ, हो जाएगा। अब आप ऑयल शिफ्ट लीजिए, और बिल्कुल छोटा छोटा इसके ऊपर यहाँ क्या कर लीजिए, ड्रा कर, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, और फिर इसको ड्रा करके लाके यहाँ रहा, बन जाएगा। हाँ, अब आपको आई बनाना है, फिर आई आप आई बना लीजिए शेप ले करके। हाँ, तो बस यही ऑयल शेप ले लीजिए, यहाँ ड्रा कर लीजिए, और इसी का कॉपी कहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, बन जाएगा। अब कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो कलर बनाना चाहते हैं वो कलर लेके बना सकते, कोई दिक्कत इसमें, बना ले जाएंगे ना। एक चीज और ध्यान दीजिए, आप पेन टूल का जितना ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, आप उतना ही अलग प्रकार की अलग अलग डिजाइन बना लेते, आ रहा समझ में ना, यानी कि पेन टूल के माध्यम से ये देखा जाए, तो आप जैसे जैसे डिजाइन बनाना चाहते हैं वैसे वैसे आप आसान से क्या कर सकते हैं, कोई डिजाइन बना सकते, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हमको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप लोग ताश के पत्ते में वो एक हसन का देखे होंगे ना, पान के पत्ते जैसा होता है, वैसे हमको एक बनाना डिजाइन, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये लाइन लेकर के आ जाएंगे, कहाँ से आया पता है ना, ऊपर से ड्रा करेंगे तो ऐसे आएगा, और इस साइड से ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, हो जाएगा ना। अब करना क्या है हमको, तो सबसे पहले हमको जाना है किसमें, पेन टूल में, और यहाँ क्लिक करके हम यहाँ क्लिक करके पहले अंदर तरफ क्या कर लेंगे, ऐसे ड्रा कर लेंगे, हो जाएगा ना। और यहाँ से हम अंदर की तरफ लेके जाएंगे, और यहाँ क्लिक करके फिर हम कहाँ लेके आ जाएंगे, यहाँ आगे, और यहाँ क्लिक किए थोड़ा सा बाहर की तरफ कर ले, हो जाएगा ना। और यहीं क्लिक करके एंकर पॉइंट पे क्लिक करके फिर हम यहाँ ला क्या कर लेंगे, क्लिक कर, हो जाएगा ना। अभी देखिए ये भी टच हुआ, अभी छोड़ा नहीं है, तो कौन सा बटन दबाएंगे, एस्केप बटन, छूट गया है ना। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर जो आपको लग रहा है ना, पहले सेलेक्ट करके इसका आउटलाइन ला लीजिए रेड कलर का, और इसकी आउटलाइन थोड़ी सी मोटी कर लीजिए, और जो आपको ये लग रहा है ना, ये वाला मेरा काफी बड़ा लग रहा है, बस इसको जूम करके देख लीजिए, और जो आपको लग रहा है ना, ये पॉइंट मेरा काफी बड़ा, यहीं तक रहना चाहिए था, आप उसके लिए क्या लीजिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सिर्फ इन दोनों नोट को ही सेलेक्ट करना है, दिख रहा है ना, और इसको यहां से नीले करके आ जाइएगा नीचे, हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, तो पहले अब जूम टूल से थोड़ा सा जूम आउट करिए, हो जाएगा। अब इस शेप को पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट करके क्या करेंगे, राइट क्लिक और ट्रांसफार्म, और ट्रांसफार्म के बाद से रिफ्लेक्ट, और यहां से ध्यान है ओरिजेंटल करें, सीधा उल्टा हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दिख रहा है ना। और यदि हम वर्टिकल करें तो ऐसे होगा, फिर ये रेक्टेंगल क्या है, एंगल करके जो दे रहा है, एंगल से लेकर करेंगे ना, देखो जितना पॉइंट पे घुमाएंगे ना, अपने आप उतना पॉइंट पे घूम जाए, दिख रहा है ना।
जितना आपको घुमाना हो मतलब आप क्या कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। हाँ तो वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल ले लिए, और यहाँ से क्या कर लेंगे कॉम्प, एक उसका कॉम्प ही बन के आ जाएगा, उसको हम ऐसे क्या कर लेंगे लगा लेंगे, हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे डिलीट कर, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से। अब हमको क्या करना होगा, जूम टूल से पहले जूम करना होगा यहाँ पर, ताकि देखिए अब ये दोनों एक में मिला नहीं है ना, मिला है क्या दोनों, उसके लिए क्या करेंगे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दोनों को क्या कर लेंगे सेलेक्ट, और राइट क्लिक कर पहले क्या करेंगे एवरेज, फिर क्या कर लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे ज्वाइन बन जाएगा। फिर स्क्रॉल करके पास आ जाइए नीचे, नीचे देखिए यहाँ पर भी नहीं हुआ है, तो करिए सिर्फ इन दोनों को सेलेक्ट, राइट क्लिक कर क्या करेंगे एवरेज, फिर यहाँ से एवरेज करने में हो गया, फिलहाल ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करने से इसमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा, जूम आउट जूम टू लीजिए और जूम आउट कर लीजिए। बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। फिर सबको क्या करेंगे सेलेक्ट, कलर फिल कर लीजिए, जैसे आपको लेना ब्लैक कलर लेना ब्लैक कलर ले लीजिए। ये धर्मेंद्र बताओ, ये जो बनाया है इसको क्या बोला जाता है, ये ताश, ताश में क्या बोला जाता है, बन जाएगा ना जी, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी आज हमने आपको पेन टूल बताया है, देखो ये बता रही है कीर्ति, इक्का बोला जाता है, बताया हाँ बताया है तुमको, बताएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए हमने आज क्या क्या बनाया, आपको एक ये डिजाइन बनाने के लिए बताया, एक बटरफ्लाई बनाने के लिए बताया, हो जाएगा ना। फिर एक लीफ यानी कि एक अगर जो कोई पत्ती बनाना हो उसके लिए, और एक और हमने आपको बताया हॉट बनाने के लिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग ये बनाइए, ट्राई करिए लोग, डाल तो आज आप लोग बस इतना बनाइए लोग, बाकी हम आपको अगली क्लास में पेन टूल के माध्यम से कुछ और भी डिजाइन बनाना बताएंगे, कि अगर जो आपको अलग अलग लोगो बनाना है तो पेन टूल के माध्यम से आप कैसे लोगो बनाएंगे, हो दीजिए। जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग।